हेलो गाइस, मेरा नाम है फैज़ल खान और आप सबका जियो खान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग दिस कैप्सूल, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बताता हूँ कि अभी मॉर्निंग में हमने एक वीडियो अपलोड किया है, इंटरेक्टिव सेशन विद टीम एकेडमी ऑफ अर्थ साइंसेज, और उसमें हमने कई सारी एस्पेक्ट्स पे बात करी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो उसको आप ज़रूर देखना, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे उससे। और दूसरा ये है कि अगर आप एक टॉप नॉच डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कोचिंग को लेकर के, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो एक ऑप्शन वो भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कैप्सूल करवाता हूँ आज का। विच वन इज़ नॉट ऑफ क्लास्टिक ओरिजन? अब क्लास्टिक ओरिजन होता क्या है? जैसे मान लो कि ये सेडिमेंटोलॉजी का बहुत बेसिक है, जैसे ये माउंटेन है, ये प्लेटू है और ये आपका बेसिन है, ठीक है। यहाँ पे वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग होने की वजह से सेडिमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और सेडिमेंट प्रोड्यूस होकर के क्या हो रहे हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट होकर के बेसिन में जा करके डिपॉजिट हो रहे हैं, और ये डिपॉजिट होने की वजह से रॉक बन रही है। इस तरह की रॉक को अपन क्या बोलते हैं, क्लास्टिक रॉक। और इस तरह से जो ओरिजिन होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, क्लास्टिक ओरिजिन, ठीक है। अब क्लास्टिक ओरिजिन जो होती हैं उनके अंदर जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है ग्रेन्स की, वो देखी जा सकती है, और उनकी जो बाउंडिंग होती है या तो वो क्या होगी, मैट्रिक से होगी या सीमेंट से होगी, ठीक है, इसको आप बोलते हैं क्लास्टिक ओरिजिन। तो दूसरा यूँ भी बोलते हैं कि द सेडिमेंट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बेसिन, राइट। सो ये बेसिन है और यहाँ से आपके सेडिमेंट ड्राइव्ड हो रहे हैं, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ पे आकर के डिपॉजिट हो रहे हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन रही है, इसको आप क्या बोलते हैं, क्लास्टिक ओरिजिन। तो इसमें सेल में क्या होता है, सेडिमेंट प्रोड्यूस होकर के आ रहे हैं, सैंडस्टोन में भी यही होता है, ग्रेवाके में भी यही होता है। ग्रेवाके इज अ टाइप ऑफ सैंडस्टोन, ठीक है, जिसके अंदर मैट्रिक परसेंट 15% से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब चर्ट आपका क्या होता है, चर्ट आपका केमिकली प्रसिपिटेटेड सैंडस्टोन का टाइप है एक, ठीक है, क्वार्ट से बना हुआ होता है सोलेली मोस्टली, ठीक है। तो चर्ट आपका क्या है, केमिकली प्रसिपिटेशन से बनता है बिलो सीसीडी, तो यह ध्यान में रखना, ठीक है। तो चर्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। इसमें 1:4 और सिलिकन ऑक्सीजन रेशियो इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच सिलिकेट स्ट्रक्चर? तो आपको पता है कि इसमें जो आंसर होगा, फाइलोसिलिकेट में जो होता है वो क्या होता है, 4:10 होता है, ठीक है। तो अपन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:5 आएगा। आइलैंड सिलिकेट कौन सा होते हैं, ऑर्थो सिलिकेट होता है, निजो सिलिकेट होता है, इसके अंदर ऐसा यो 4 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो है 1:4 होगा, तो इसका जो राइट आंसर वो तो आपका क्या हो जाएगा, आइलैंड। अब डबल आइलैंड सिलिकेट स्ट्रक्चर वो आपकी सोरो सिलिकेट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, रेशियो 2:7, और डबल चैन सिलिकेट के अंदर क्या होता है, 4:11, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये सिंपल सा है, फैक्ट है डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें परथाइट टेक्सचर इज टिपिकली फाउंड इन, परथाइट टेक्सचर, तो परथाइट टेक्सचर बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये देखो, परथाइट टेक्सचर में क्या होगा कि जैसे ये बड़ा ग्रेन है ऑर्थोक्लेज का, ऑर्थोक्लेज, ठीक है, और इसके अंदर लेमिली ऑफ प्लेजोक्लेज अपने को मिलेंगे, ठीक है, लेमिलीज ऑफ प्लेजोक्लेज। तो इस तरह का जब ऑर्थोक्लेज होस्ट करता है उसको आप क्या बोलते हैं, परथाइट टेक्सचर। और ये कब बनता है, जब आपके लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज होती है तब ये बनता है। सॉल्वस टेम्परेचर जो होता है इसमें, जैसे ये है, ये इस तरह से रहता है, और यहाँ पे सॉल्वस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स सॉल्यूशन की प्रोसेस होती है, एक्स सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है कि एक सॉलिड होमोजीनियस सब्सटेंस से दो अलग अलग कंपोजिशन के सब्सटेंस है वो सेपरेट हो जाते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, तो बिलो सॉल्वस टेम्परेचर बनता है। और ये किस रॉक में मिलेगा आपको, आई टाइप की ग्रेनाइट में मिलेगा। तो यहाँ डी ऑप्शन है वो सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन ये सही हो सकते हैं। ये टिपिकली फाउंड इन बोलेगा, तो अगर रॉक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आई टाइप हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन से मैं 3-4 क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। टिपिकली फाउंड इन विच रॉक, तो आपका टिपिकली क्या हो जाएगा, आई टाइप का ग्रेनाइट। ए टाइप की ग्रेनाइट में आपको रापा की टेक्सचर मिलेगा, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि परथाइट टेक्सचर इज टिपिकली फाउंड इन विच सिस्टम, तो वो हो जाएगा लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन सिस्टम, ठीक है। टिपिकली फाउंड इन, तो वो आपका सिंपल सा एक आंसर हो जाएगा, अबाउ सोलस टेम्परेचर, बिलो सब सोलस टेम्परेचर, या फिर पूछ सकता है कि अक्स सॉल्यूशन वगैरह। तो यहीं से आप 4-5 फैक्ट है वो बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट कैप्सूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें नाउ देखो, आवर अर्थ इज़ फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि पहले कोर बना, फिर मेंटल बनी, फिर आपकी क्रस्ट बनी, ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। देयरफॉर इट इज़ कंप्राइजेज मेनी मेजर एंड माइनर डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है।
जैसे कोर है, तो कोर के अंदर आपका इनर कोर है, फिर आउटर कोर है, फिर आपका लोअर मेंटल है, फिर अपर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। क्रस्ट में भी आपके दो पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। तो अब ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेटिंग द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक स्लाइस ले रहा हूँ इसका, ठीक है, इससे स्लाइस ले लिया और मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपन कुछ मेजर डिसकंटिन्यूटीज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मोहर डिसकंटिन्यूटी आपका किसको सेपरेट करता है? क्रस्ट और अपर मेंटल को, ठीक है। लेमान डिसकंटिन्यूटी किसको सेपरेट करता है? इनर कोर, जैसे ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है क्या, कौन सी सेपरेट कर रही है? इनर कोर और आउटर कोर को। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ये आपके अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट करती है 6-10 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी आपकी अपर लोअर मेंटल को सेपरेट करती है, लेमान डिसकंटिन्यूटी आपकी इनर एंड आउटर कोर को सेपरेट करती है, मोहर डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी क्रस्ट और लोअर सॉरी अपर मेंटल को सेपरेट करता है, और जो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सेपरेट करने वाली डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है कॉनराड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबाव, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। द लोवेस्ट सिमेट्री एलिमेंट फाउंड इन, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है इसके अंदर आपको मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, ठीक है। और एक ऐसी क्लास जिसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल क्लास, ठीक है। और मैंने क्यूबिक के लिए बताया था कि नॉर्मल क्लास कौन सी है? गैलेना टाइप बताया था, तो यहाँ गैलेना तो आंसर होगा ही नहीं किसी भी सूरत में, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो आपका पीडियन टाइप है, जो आपका ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, जब मैं आपको क्लास जो फॉर्म्स वाला बता रहा था कैप्सूल, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक्जिनाइट टाइप इज़ दी टाइप और नॉर्मल क्लास ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम, और ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर आपको कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है, याद आ रहा है? तो यहाँ पे लोवेस्ट किस में मिलेगा? एक्जिनाइट के अंदर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।